गाइस मैं नीलेश चौधरी बस्ती जिले का कड़क मौंडा और आ गया हूँ आज देहरादून। और ये हमारी जो टीचर खड़ी है जो कि ये तो टॉप करती है और सुबह के को साफ और यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे देहरादून का आपको। जहाँ जहाँ घूमेंगे देहरादून की गलियों को वाकिफ कराएंगे आपको। और सच में आज यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग माइंड टेस्टिंग आपको। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अचल विज्ञान को केंद्र पे और यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आपको, लेकर चलते हैं अंदर। तो गाइस हमने टिकट ले लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, 50-50 रुपए का दो टिकट। और ये हम आ चुके हैं यहाँ पे घूमने के लिए और यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई। गाइस आइए आपको लेकर चलते हैं और अंदर का दिखाते हैं कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। और गार्डनिंग देखिए कितने अच्छे तरीके से किया गया है, इसकी कटिंग करके तो अच्छे से डेकोरेट किया गया है। तो ये सो प्लांट है ना कि वो ऐसा कुछ हो रहा है। यहाँ पार्क कितना अच्छा बनाया है। और गाइस जैसा कि देख रहे हैं कितना, ये देखिए ड्रैगन कितना अच्छा, पार्क कितना अच्छा बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई रियल में है ये यार। ओ भाई तो बहुत बड़ा ड्रैगन है और ये भी आ रहा है इसका ड्रैगन है, ड्रैगन ड्रैगन की प्रजाति है ये। और ये देखिए इधर कंगारू है, कंगारू। काम पूरा नज़ारा आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है भाई। और इसमें ये टूट गया है, टूटने की वजह से इसको को अंदर से को वो लगा के लकड़ी लगा के इसको जाम किया गया है। जैसे काफ़ी पुराना बना हुआ था, इसमें कट भी हो गया है। और आपको आगे डोन है ये देखिए, हम इसका मुंह फैला दिए हैं और ये इसका मुंह फैला गया है। अब ये देखिए इसकी प्रजाति भी अलग होती है और ये देखिए किस तरीके से बना हुआ, कितना खूबसूरत को बना हुआ है, सच में बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। ये देखिए एक और डायनासोर गैंडा है, ये मेरा बाबू है। The Mars color camera of the spacecraft, exospheric neutral composition analyzer MENCAR payload, which studied the space. गाइस जैसा कि देख रहे हैं इसमें कई सारा दर्पण बन गया है, इसमें हमारा ही फोटो दिखा। गाइस आपको हम अनंत कुआं दिखाते हैं और ये देखिए भाई गहराई से संदेश देखिए इस तरीके से को बताया जाता है। और ये देखिए कालाबाद छड़ी, तो गाइस ये जादुई नल है जो कि आप देख रहे हैं, इसमें वो नहीं दिख रहा है कहाँ से वो पानी गिर रहा है।
ऊर्जा देंगे मिलेगी किस तरीके से। पैडल टूट गई है, पैडल टूट गई है, ऊपर नहीं जा रहा है। अच्छा गया, जब बहुत तेज पैडल मारोगे तो ही वो उठेगा, नहीं तो नहीं। फोर्स से उठ रहा है थोड़ी थोड़ी दूर। और तेज और तेज और तेज और तेज नीस और तेज और तेज और तेज, देखते कहाँ तक जाती है बॉल। और तेज और तेज और तेज, एकदम ऊपर तक पहुंचा दो। तेज पहुंच गया, ऑलमोस्ट पहुंच गया। हार मत मानना, पहुंचा दो, पहुंच गया, फाइनली पहुंच गया। अब गिरा तो ऊपर आ गया जमीन पे। तो गाइस ये देखिए, स्टेज बताता है तो गाइस ये है कैलिडोस्कोप स्कोप। तो गाइस प्रदर्शनी में आपको लेकर चलते हैं। आए सब लोगों को बहुत ही अच्छा। तो गाइस ये देखिए मनोरंजक दर्पण है, देखिए हम कितने, अभी देखिए ये अभी दो को दिख रहे हैं ना, अभी देखिएगा कितने बड़े हो जा रहे हैं। ये देखिए धीरे 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 बड़े हो गए। और ये हमारा पैंट कितना बड़ा हो गया, और हाथ देखिए ये इतना बड़ा हाथ हो गया। मेरी उंगलियां देखिए कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं।
तो गाइस ये देखिए हिमालय, आपको हिमालय के बारे में और दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से पहाड़ों का निर्माण होता है जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है मानवता के लिए हिमालय हमेशा से एक पहेली रहा है, इसलिए लोग बार बार इसकी खोजबीन का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए इसमें जानवर की आवाज़ भी आ रही है। इसमें आपको तरह तरह के पक्षी भी मिल जाएंगे। ये देखिए अमरनाथ गुफा और ये तो गाइस ये देखिए हिमालय लोगों की लाइफ किस तरीके से होती है, ये इसमें दिखाया गया है। ये त्यौहार का इधर दिखाया गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही ट्रेंडिंग। और इन लोगों का ड्रेस देखिए, तो ये इन लोगों का ड्रेस पहनावा और ये ढोल नजाड़े किस तरीके से बजाते हैं। तो ये सब ये इनका कंगन सब रखा गया है और ये इन लोगों का हार वार सब कुछ को दिखाया गया है, देखते हैं एकदम मस्त एकदम। आपको की तकमीन देखिए किस तरीके से, और ये देखिए फल फूल किस तरीके से होगा इसके सीड्स। खाने पीने की सामग्री है और ये भी एक फूड है। और ये देखिए इसमें एक अल्ट्रासाउंड वगैरह किस तरीके से होता है, ये सब आपको दिखाया गया है। और ये देखिए फर्स्ट टाइम देखने के बाद ये भविष्य में बिजली कैसे को उत्पन्न किया जाता है, देखिए बिजली घर है ये कहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है। समुद्र की लहरों से किस तरीके से बिजली उत्पन्न की जाती है, ये देखिए इसमें लगाया गया है। ये को लगा करके पंखा जब नाचता है तो इससे बिजली उत्पन्न होती है और ये बिजली घर में जाती है, उसके बाद फिर क्षेत्र में सप्लाई किया जाता है।
ये देखिए टोका काम, के सूर्य से ही चार्ज होगा, सोलर लाइट पैनल लगा है मंगल मिशन में, क्योंकि ऊपर कितना ईंधन पहुंचाएंगे तो ये सूर्य से चार्ज ही होगा ना।